हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब भी सही हो गए और मैं भी सही हूँ। आज हम काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, और जो मेरे पास में कॉल वगैरह व्हाट्सएप पर मैसेज वगैरह आए हैं कि इस तरह का कोई रिक्वायरमेंट हो तो बताइएगा, तो इंशाल्लाह आज मैं उसी के अकॉर्डिंग आपके सामने कुछ रिक्वायरमेंट लेकर आया हूँ, और काफ़ी बेहतरीन रिक्वायरमेंट है। अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप ना करिएगा, पूरा पूरा वीडियो को देखिएगा तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ यूआई के बारे में, काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इन फ्यूचर जो भी मैं जॉब के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ ले पाएँ। और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि उससे मालूम पड़ जाए कि आप लोगों को वीडियो कितना पसंद आ रहा है, ठीक है। और एक काम और करें कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके शेयर से, क्योंकि वीडियो को शेयर करने से किसी बंदे को नॉलेज मिल जाए और उसके बाद में वो जॉब पे अप्लाई कर सके, तो किसी बंदे को आपके शेयर करने से किसी बंदे को जॉब मिल जाए। तो इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, लाइक भी ज़रूर करें, और जो हमारे पहले से दोस्त बने हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उनका मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें, और इंशाल्लाह हम बहुत आगे तक आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, हर तरह की जॉब की इन्फॉर्मेशन हम आगे तक इस चैनल पर वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। जॉब से रिकॉर्डिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को। तो हमारे पास में जो है आज काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है, और आपका जो काम रहेगा वो लेबर कैटेगरी का रहेगा, लेकिन इसमें जो है आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इस तरह की सैलरी लेबर कैटेगरी में जो होती है सैलरी वो कम होती है, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छी सैलरी है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, हमारे पास में यूआई की रिक्वायरमेंट है, आपका इसमें नॉर्मल मेडिकल होगा और ई वीज़ा है, ठीक है, और इसमें आपका डायरेक्टली यहाँ से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रहेगा, और इसमें जो हेल्पर्स की ज़रूरत है, इसमें हमें जो चाहिएगा वो 50 कैंडिडेट्स चाहिएंगे, ठीक है, हेल्पर की ज़रूरत है, इसमें 50 कैंडिडेट्स चाहिए। कोई भी कैंडिडेट हो, किसी तरह का भी हो, आपके पास में ECR हो या ECNR पासपोर्ट हो, कोई भी हो, पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, वो बंदा इसमें अप्लाई कर सकता है, क्योंकि बहुत जगह पर प्रॉब्लम पड़ती है कि बंदे को अगर चाहिए तो वो पढ़ा लिखा भी मांगते हैं, नॉर्मल इंग्लिश आनी चाहिए वो भी मांगते हैं, लेकिन इसमें ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपके पास में इंग्लिश है या नहीं है वो मैटर नहीं करता, आपके पास में पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है ना, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो एज लिमिट है वो है आपकी 21 से 45 साल, यानी कि मिनिमम आपकी 21 और मैक्सिमम आपकी 45 साल एज होनी चाहिए, इससे ऊपर, 45 से ऊपर वाले अप्लाई ना करें, और 21 से नीचे वाले भी प्लीज़ इस पर हमारे पास में कॉल ना करें, क्योंकि मैं एज बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये जो रहेगा आपका हेल्पर का काम रहेगा, और इसमें जो काम रहेगा हेल्पर में आपका लोडिंग अनलोडिंग का काम रहेगा, ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग का काम रहेगा इसमें आपको, और इसमें जो ड्यूटी रहेगी आपकी 9 आवर्स की रहेगी, ड्यूटी रहेगी, प्लस आपको ओवर टाइम भी इसमें मिलेगा, ठीक है। कंपनी आपको एक अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी है, प्लस फूड आपका खुद सेल्फ रहेगा, ठीक है ना, फूड आपका सेल्फ रहेगा। इसमें जो सैलरी आपको प्रोवाइड की जा रही है वो की जा रही है 1200 AED, ठीक है, 1200 दिरहम आपको सैलरी प्रोवाइड की जा रही है, और प्लस आपको ओवर टाइम इसमें मिलेगा। तो पहली जो जॉब थी हमारे पास में ये थी, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन नंबर मिल जाएगा और जीमेल आईडी मिल जाएगी, आप किसी पर भी जाकर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस वो ये है कि आपको पहले आप हमारे पास में डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, डॉक्यूमेंट सेंड करने के बाद में आपके जैसे ही डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में आते हैं तो उसके बाद में हम आगे का प्रोसेस आपको बताएंगे आपको करना क्या पड़ेगा, लेकिन हमें आपको ओरिजिनल पासपोर्ट ज़रूर देना पड़ेगा, बिना ओरिजिनल पासपोर्ट के आपका अप्लाई नहीं हो पाएगा। अब दूसरी रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, दूसरी जो हमारे पास में है AC टेक्नीशियन की, ठीक है ना, AC टेक्नीशियन की है, इसमें हमें ज़्यादा बंदे नहीं चाहिए, कम ही चाहिएंगे। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो अभी अखबार आप AC टेक्नीशियन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास में इसका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस आपके पास में AC टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है ना, SSC का डिप्लोमा होना चाहिए, और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंपनी आपको एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है,
और इसमें जो ड्यूटी रहेगी आपकी वो रहेगी 8 घंटे की, और आपकी जो सैलरी है वो है 1200 प्लस 300, यानी कि फूड का आपको 300 दे रही है, 1200 आपकी बेसिक रहेगी, तो आपकी 1500 सैलरी इसमें बैठ जाएगी। और दूसरी उसके बाद में जो हमारे पास में वो है लेबर्स क्लिनिक की, ठीक है ना, लेबर्स क्लिनिक की। इसमें आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऑफिस का क्लीनिंग, आपका बिल्डिंग का क्लीनिंग, ये सारी चीज़ का क्लीनिंग आपको कंपनी अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना। और आपका इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वो 900 प्लस 300, यानी कि 300 खाने का, 900 आपको बेसिक, तो आपकी इसमें 1200 सैलरी बन रही है, ठीक है। उसके बाद में जो आपको मेसन, ठीक है ना, उसके बाद में जो आपकी है मेसन की, इसमें आपकी जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन में का। और इसमें आपको कंपनी जो प्रोवाइड कर रही है अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन, या कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, और इसमें जो सैलरी होगी आपकी होगी 1200 प्लस 300, यानी कि 1200 आपका बेसिक सैलरी, 300 आपका खाने का। और तो इसमें जो आपकी टोटल सैलरी बन रही है वो 1500 बन रही है, प्लस आपका इसमें ओवर टाइम भी रहेगा, ठीक है। तो जो लोग भी इन पर अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन नंबर मिल जाएगा और जीमेल आईडी मिल जाएगी, आप उस पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हमें जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिएगी इससे अलग वो इन्फॉर्मेशन हमसे ले सकते हैं। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बंदे नहीं चाहेंगे, इनमें तो कम ही कम बंदे चाहेंगे। अगर आप इनमें से कोई भी कैटेगरी में आते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छी इसमें सैलरी भी है। तो अप्लाई करने के लिए आपको करना यह पड़ेगा कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने पड़ेंगे स्कैन करा के दोनों साइड से, पासपोर्ट का और एक पासपोर्ट साइज बैकग्राउंड में फोटो स्कैन करना पड़ेगा, एक बायोडाटा स्कैन करना पड़ेगा। ये अपने डॉक्यूमेंट जब सेंड करें तो आप वहाँ पे मेंशन कर दें कि किस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी मिनिस्ट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। और बस आज के हमारे पास में इतनी ही रिक्वायरमेंट थी। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अपना भी ख्याल रखें। और अगर आपकी प्रोफाइल से कोई भी जॉब इसमें मैच करता हुआ है तो प्लीज़ ज़रूर अप्लाई करें, नहीं तो आप वीडियो में कोई भी हमारे चैनल पर बने रहें, आपकी प्रोफाइल से कोई ना कोई इंशाल्लाह ज़रूर मैच करती कोई ना कोई जॉब आ जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।